हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट वेलबींग। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि फ्रूट्स को खाने के कितने सारे फायदे होते हैं, अब फ्रूट से अपने बॉडी को कितने इंपॉर्टेंट विटामिंस मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि फ्रूट्स को खाने का एक तरीका होता है, एक टाइम होता है, किस बीमारी में खाना चाहिए और किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए, वरना ये आपकी तबीयत को और बिगाड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सारे फ्रूट्स में से एक फ्रूट के बारे में बात करते हैं, जो कि है केला यानी बनाना। इस फ्रूट को खाने का सही तरीका क्या है, किन लोगों को ये खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, किन बीमारियों में ये खाना चाहिए और किन बीमारियों में नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लेते हैं केले के बारे में पूरी जानकारी। उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि आपके पास हर वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बनाना में कौन कौन से कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स के सोर्स के फॉर्म में पोटेशियम इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक भी प्रेजेंट होता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें विटामिंस के फॉर्म में विटामिन सी प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं बनाना के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट का कौन कौन सा पार्ट बेनिफिशियल है। फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, लीव्स। इसका दूसरा बेनिफिट होता है कि इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैंसर फाइटिंग फैक्टर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। थर्ड बेनिफिशियल पॉइंट, इट इज़ अ ग्रेट लिबिडो बूस्टिंग फूड। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस और सेक्सुअल डिजायर्स को भी बढ़ाता है। चौथा बेनिफिशियल पॉइंट, राइपेंड बनाना या फिर पका हुआ केला आपको कॉन्स्टिपेशन में भी राहत दिलाता है। पाँचवा बेनिफिशियल पॉइंट, डायरिया को रोकने के लिए कच्चा केला यूज़ किया जाता है। छठा बेनिफिशियल पॉइंट, ड्राई स्किन और रिंकल्स को मिटाने के लिए आप एक केले को लीजिए, केले के अंदर के भाग को बाहर निकालिए, उसको अच्छे से मैश करके उसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए। थोड़ा सा दूध मिलाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद में उसको एक फेस मास्क की तरह अप्लाई करिए और 2 घंटे तक उसको अपने स्किन पर रहने दें। सातवां बेनिफिशियल पॉइंट, फटी एरिया। फटी एरिया आज के टाइम पर बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए एक बनाना को निकालिए, बनाने के अंदर भाग को बाहर निकालिए, उसको अच्छे से मैश करिए और जहाँ पर फटा हुआ है एरिया पर, जहाँ पर फटा हुआ है वहाँ पर अच्छे से लगाइए और कम से कम 2 से 3 घंटे तक वहाँ पर रखिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिंपल्स। पिंपल्स जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टीन एज में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो पिंपल्स को मिटाने का एक सिंपल सा इलाज है। केले के छिलके के अंदर वाले भाग को चम्मच से खुरेदिए और उसको अपने पिंपल पे रखिए कम से कम 4 घंटे के लिए, तो आपका पिंपल गायब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि केले को खाने का सही तरीका क्या है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर किसी के शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है तो उन लोगों को केला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केला एक कफज प्रकृति का है और ये आपके कफ दोष को और बढ़ा सकता है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, केले को रात में कभी नहीं खाना चाहिए और केले को दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए और दही के साथ भी कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बनाना मिल्क शेक, जो कि आज के यंगस्टर्स बहुत ही कॉमनली पीते हैं, ये भी गलत बताया गया है, क्योंकि दूध और केला दोनों सेम प्रकृति के होने के कारण तो ये आपको दस्त की समस्या दे सकता है। दोस्तों, केले को जब भी खाएं सुबह खाएं और खाली पेट खाएं। इसके साथ साथ केले को खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी बिल्कुल ना पिएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब में ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।